इसके एरिया पर वेक्टर इंटीग्रेशन के लिए कुछ फार्मूले हैं, उनको लिखो फटाफट। देखो यदि वक्र एक्स अक्ष के अनुदिश है, यदि वक्र एक्स अक्ष के अनुदिश है, इफ द कर्व इज अलोंग द एक्स एक्सिस, इफ द कर्व इज अलोंग द एक्स एक्सिस, तब उसका क्षेत्रफल इस प्रकार होगा, द एरिया इज कैपिटल ए, लिमिट एक्स में होगी, एक्स इक्वल ए टू एक्स इक्वल बी वाई डी एक्स, एक्स इक्वल ए टू एक्स इक्वल टू बी लिमिट है वाई डी एक्स। कहने का मतलब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी एक्स के, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। डायग्राम अगर समझना तो मान लो ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये कोई कर्व है, इसका एरिया निकालना है, तो मान लो ये लेंथ ए है, कितनी डिस्टेंस है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल ए, अगर यहाँ से यहाँ तक लेंथ बी है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये एरिया निकलेगा क्या, ये कलर्ड पार्ट जो है, अब ऐसे इसका कोई फार्मूला नहीं होगा, क्योंकि इस डिजाइन का कोई फार्मूला किसी को पता नहीं होगा, देखो ना कोई सर्किल है, ना ये रेक्टेंगल है, ना ये कोई ऐसा शेप है जिसका कोई फार्मूला है, वर्ग होता स्क्वायर होता तो भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर, यदि यही आयत होता रेक्टेंगल होता एरिया होता लेंथ इनटू ब्रेथ लंबाई गुणा चौड़ाई, यही वृत्त होता यानी सर्किल होता तो फार्मूला पाई आर स्क्वायर, मगर इस डिजाइन का कोई फार्मूला नहीं, तो ऐसी ऊट पटांग की जो डिजाइन होती है टेढ़ी मेढ़ी उनके लिए कौन मदद करता, इंटीग्रेशन, कौन मदद करता, इंटीग्रेशन फार्मूला सामने वाई डी एक्स, हो गया पहला फार्मूला कंप्लीट। अब नंबर टू, यदि वक्र वाई एक्स के अनुदिश है, इफ द कर्व अलोंग वाई एक्सिस, द कर्व अलोंग वाई एक्सिस, यदि वक्र वाई एक्स के अनुदिश है, इफ द कर्व अलोंग वाई एक्सिस, तब क्षेत्रफल इस प्रकार होगा, एरिया कैपिटल ए इक्वल थोड़ा थोड़ा वाला फेड होगा, उस बार लिमिट किसने दी बालकों, इस बार y में होगी y इक्वल a टू y इक्वल b, और इसका अपोजिट जब लिमिट x में तो dx, तो जब लिमिट y में तो dy, जब लिमिट x में थी तो dx, जब लिमिट y में है तो dy, जब dx है तो फंक्शन अपोजिट होता है यानी y होता है, जब dy है तो फंक्शन अपोजिट होगा, यानी फार्मूला बनेगा x इंटू डी वाई विद लिमिट y इक्वल टू ए टू y इक्वल टू बी, रिटायर हो गया है डायग्राम समझना चाहते हो, ऐसे देखो ना, देखो मान लो कर ऐसे था x में लिमिट हो गई, मान लो ऐसे होता है कर, तो ये लिमिट होगी, आपसे कहते हैं इसका एरिया निकालो, इस डिजाइन पर तो ये मान लो लेंथ ए है और ये ऊंचाई बी है, हाइट ओरिजिन से तो ये लिमिट हो गई, ये ऊंचाई तो होती है किस एक्सिस में, हाइट वाई में, तो इसका इक्वेशन वाई इक्वल ए और ये हाइट y एक्सिस में कितनी हाइट ली है, b हाइट है, इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू b, तो जिसके अंतर्गत है, जिसके अंडर में है, जिस लिमिट के, वही ले आती है, ठीक भैया। अब एक क्वेश्चन करा दें, क्या कहते हो, लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए,
उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो। ऐसे लिखो, देखो वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x बराबर एक से x बराबर दो से घिरे वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया फॉर कर्व, फाइंड द एरिया फॉर कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कंडीशन है x इक्वल टू वन टू x इक्वल टू बी, x इक्वल टू वन टू x इक्वल टू टू, ये ठीक है। देखो कैसे करेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कैसे समझिए y इक्वल टू क्या है, कम से कम पांच डेटा ले लो, कर्व बन जाएगा जीरो वन माइनस वन टू माइनस टू। एक्स की वैल्यू अपनी मर्जी से मान ली जाती है, अपनी मर्जी से, अब उन वैल्यूज को यहाँ रखो, उससे वाई निकाल लो, जीरो रखोगे जीरो, एक्स की वैल्यू वन रखो वन, एक्स की वैल्यू माइनस वन रखो माइनस वन का स्क्वायर वन, एक्स की वैल्यू टू रखो टू का स्क्वायर फोर, एक्स की वैल्यू माइनस टू का होल स्क्वायर फोर। चलो यहाँ से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, जीरो पे जीरो ये पॉइंट होगा, एक्स में चलना है वन, एक्स में जब वन चलते हैं तो वाई में कितना मिलता है वन, आप सेंटीमीटर से यूज कर लेना, ये मिला दूसरा पॉइंट। एक्स में चलना है माइनस वन, एक्स में माइनस वन यहां पे आ गए इधर, तो वाई में कितना है, एक्स में माइनस वन तो वाई में कितना है माइनस वन पे वन, यानी तीन का ही ऊपर मिलेगी। वैसे पहचाने वाले पहचान गए होंगे ये कौन है, पैराबोला है परवल है, पैराबोला भी बन जाएगा। एक्स में चलेंगे टू पॉइंट टू, इस जगह रुके आगे, तब वाई में कितना है वन टू थ्री फोर, मिला पॉइंट। एक्स में कितना है माइनस टू यहाँ पे आए, वाई में कितना है प्लस का कि माइनस का, ऊपर जाएंगे ये फोर में आए गए वन टू थ्री, एक ये पॉइंट मिला था, 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 एक ये पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट ऐसे मिला देंगे, पैराबोला बन गया, परवलय प्रकार थ्री, पैराबोला टाइप थर्ड। अब क्या उसमें शर्त लगी है, एक्स इक्वल टू वन, एक्स में वन चले ये मिला, ये लाइन कौन सी है एक्स इक्वल टू वन, अब ये लाइन क्या चल रहा है एक्स इक्वल टू, यहां से वृद्धि करेगी, ये जीरो है ये वन है ये टू है, यहां पहुंचे एक्स में पहुंचे लाइन वाई के पैरेलल खींचेंगे, यहां से आएगा ये कौन सी लाइन है। अब हमें ऐसा एरिया निकालना है जो कर्व से घिरा हो, कर्व से कवर्ड हो, यानी वक्र से घिरा हो, दोनों लाइन से घिरा हो, कर्व की लाइन ये है, इससे घिरा हो, इस लाइन से घिरा हो, इस लाइन से घिरा हो, एक्स एक्सिस बचा तो उसको भी कवर करेगा, क्योंकि एरिया हमेशा किसका निकलता है क्लोज कर्व, बंद बंद टुकड़े का निकलेगा, ठीक है। तो ये समझना कि ये एरिया निकालना है कर्व के ऊपर क्योंकि वो तो ओपन डिजन है ना, ओपन डिजन खुला हुआ क्षेत्र है, उसका कभी क्षेत्रफल निश्चित नहीं है, क्योंकि जितनी हाइट पे चले जाओगे इनफाइनाइट तक तो उतना ही बड़ा एरिया मिलता रहेगा, केवल यही ऐसा पार्ट है जो कैसा है बंद है क्लोज है, यानी इसका सेप कैसा है सर्टेन है निश्चित है। इसका आंसर देना फार्मूला, अब यही डिजाइन नीचे पर नहीं होती, दो डिजाइन होती तो ऐसे यही होता,
इनके बीच का अगर एरिया निकालते तो ये बनता, जैसे डिजाइन ऊपर वैसे ही, तो कितनी डिजाइन हो जाती, कितने सेम शेप हो जाते, तो फिर फार्मूले में दो से मल्टीप्लीकेशन होता, एक जैसे चार से बन जाए तो चार से मल्टीप्लीकेशन होता, इसमें एक जैसा एक ही शेप है इसलिए इसमें एक से मल्टीप्लीकेशन होगा, वो तो होता ही होता ही। फार्मूला एरिया का कैपिटल ए इक्वल टू वाई डी एक्स, जो कि लिमिट हमारी किसमें एक्स में, एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी, ये तो फार्मूला था यूज कर लो। x इक्वल टू ए का मतलब 1, x इक्वल टू बी का मतलब बड़ी लिमिट 2, y की वैल्यू कर्व से उठा लेंगे, y की वैल्यू कर्व से x स्क्वायर, साइड में बैठा है dx, इंटीग्रेशन मार दो इसका x क्यूब y 3, लिमिट क्या है 1 से 2, कांस्टेंट मार कर लो 1 बाई 3, बचा एक्स क्यूब, लिमिट 1 से 2, लिमिट अप्लाई करो, पहले 2 रखोगे 2 का क्यूब माइनस लगता है, अब छोटी लिमिट लगाओ 1 का क्यूब, 8 यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, बटे में क्या है 3, आंसर आया 7/3। अब फॉर्मूले में एरिया है तो एरिया का क्या होगा, वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई लिख लो या स्क्वायर यूनिट, 7/3 आंसर है इसका, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ऐसे ही जाके यार अपनी बुक से लगाना क्वेश्चन।